लहर है। देखिए यूपी के फतेहपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के जनपद फतेहपुर के ये निवासी अब सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। गीता देवी और कुंती देवी बेहद खुश हैं, तो नफीसा और सेना देवी की आंखों में भी चमक साफ देखी जा सकती है। जनपद फतेहपुर के लोगों में खुशी की ये लहर है अपना पक्का घर मिलने की वजह से। बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग बाहर सोते थे, कहीं चूता है, कहीं गिरता है, कहीं कुछ है, छप्पे में रहते थे। अभी जब आवास मिली हमको, तब थोड़ा लाभ तो मिला ही है सर, मतलब आवास में मोदी ने दिया तो हम लोग पक्का मकान बन गए, शौचालय भी हमारी आ गए। अभी कॉलोनी मिल गई है तो आराम है, और अब दिक्कत नहीं होती, पहले दिक्कत होती रही है। पानी टपकता था, कहीं यहाँ चूल्हा उठा के रखते थे, कहीं वहाँ रखते थे चूल्हा उठा कर, रोटी बनावन। आवास हमको मिल गई है तो मान लो अब हमारा माने बढ़िया बन गया है। तो हम अपना घर न होने की वजह से जनक नंदिनी पहले काफी परेशान थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी है। छप्पर पड़ा था, कच्ची छत थी, और बारिश होती थी तो न तो रिश्तेदार भी आते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी, हमें भी रहने में, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत होती थी। फिर हमें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, अब हमारा ये घर बन गया है, अब हमें काफ़ी राहत है, बारिश से भी हम बहुत अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं। यूपी के जनपद फतेहपुर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जनपद फतेहपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कमजोर आय वर्ग को 18,761 घर दिए गए हैं, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14,632 आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 18,761 आवास पूरे जनपद में आवंटित किए गए थे, और इस साल का जो लक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है वो 14,632 लाभार्थियों का है, तो इन आवासों को उनके तक पहुंचाया जाएगा। इन चेहरों की खुशी ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कमजोर तबके के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, केंद्र सरकार की ये कोशिश यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए कामयाब होती दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए फतेहपुर से संदीप श्रीवास की रिपोर्ट। न्यूज 10 में